हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक दल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी को पिछले दिनों अज्ञात बदमाशों ने मार दिया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब इनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने घर के अलग अलग नंबरों पर फोन कर धमकियां दी हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय आरोपियों का फोन आया उस समय शोक व्यक्त करने आए लोग भी मौजूद थे। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसे हरियाणा पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। ये जो धमकी आई है उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये व्यक्ति पहचान में आ गया और शीघ्र जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसमें टीम लगी हुई है और जो ये हत्या का मामला था उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं उसमें एक विजेंद्र राठी को नोटिस दिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। बाकी हमारी टीम जो है वो रेड कर रही है अलग अलग जगह और हम लोग अनुसंधान में लगे हैं और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है जो भी मुख्य आरोपी था उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर अब तक कितने इसमें FIR में नाम है, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? देखिए अनुसंधान चल रहा था और अब हम जो है उनसे प्रॉपर पूछना शुरू करेंगे। तो उसी में एक विजेंद्र राठी को अभी नोटिस दिया गया है और अन्य को भी एक दो लोगों को नोटिस दिया गया। देखिए वो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है उसको पहले एक वेरीफाई करवाना आवश्यक है तो उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और वो डिटेल्स हमने मांगी है। जो भी सोशल मीडिया का हैंडल है वो उसके विषय में जो है हमने डिटेल मांगी है तो एक बार उसमें जैसी डिटेल आती है तभी इस विषय में जो है आपको। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा देखिए वो फोन आया था तो मैंने फिर बताया कि उस पर अनुसंधान जारी है और हमारी दो टीम उसी पर लगी हुई है कि जिसने धमकी दी है उसको शीघ्र से शीघ्र अरेस्ट किया गया। सर को अरेस्ट किए गए आपने स्टार्टिंग में तो उनका क्या कुछ नहीं? अरेस्ट कोई नहीं किया था, इसमें पूछताछ जारी थी। कई लोगों को जो है इसमें पूछताछ की गई है जैसे कि हम नामजद आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। तो अभी ये अनुसंधान चल रहा है और जैसे भी जिसका इन्वॉल्वमेंट आता है उसको अरेस्ट किया जाएगा। वो गाड़ी के भी कई हमने उस पर जो है जांच की है कि किसकी गाड़ी थी क्या था तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और वो जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होता है अरेस्टिंग होती है उसके विषय में भी डिटेल आपको डिस्क्लोज की जाएगी। उनको देखिए सुरक्षा दी गई है और प्रॉपर जो है सुरक्षा को भी सुपरवाइज करने के लिए DSP SHO और एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। तो मेरी भी निरंतर जो परिवारजन है उनसे बात हो रही है और कोई भी इशू होता है तो मैं स्वयं भी उसको देखता हूँ कि कोई उनके मन में डर ना रहे और सुरक्षा दी गई है और हमारी कोशिश है कि शीघ्र से अतिशीघ्र जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए।